जब उनका एमएलए था तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका एमएलए बन के यहाँ पर जीरो था तो आप एक काउंसिलर बन के क्या कीजिएगा। उनका घर का जो वोट है, उनका भाई टीएमसी करता है, आज टीएमसी की वजह से उन लोग का अन्न मिलता है। आज म्यूनसिपलिटी में उनका गाड़ी जो टीएमसी में चला रहा है वो हम ही दिलाए थे, हम ही उनका टेंडर दिए थे, जो आज टीएमसी में उनका टेंडर चलता है। तो उनका उनका घर का जो जितना वोट है वो टीएमसी में मिलेगा, तो उनका घर का वोट नहीं मिलेगा तो पब्लिक का कैसे उम्मीद करते हैं। अब पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपना वोट को जाया करेंगे। लोग समझदार हो गए, पढ़ा लिखा लोग यहाँ रहते हैं कि हम वोट सरकार को देंगे, सरकार के साथ रहेंगे कि हम कुछ काम करा सकें। एक मरा मुर्दा को उठा के क्या कीजिएगा, एक लाश से आप क्या ले सकते हैं, एक लाश से कुछ उम्मीद है, वो लाश है। सीपीएम अभी लाश बना हुआ है पूरे बंगाल में। तो लोकसभा व विधानसभा चुनाव के बाद अब नगरपालिका चुनाव के लिए उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। टीएमसी के कई दिग्गज नेता नगरपालिका चुनाव के लिए हर वार्ड से मैदान में हैं। टीएमसी ने 108 नगरपालिकाओं के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी नगरपालिका चुनाव में वार्ड नंबर 5 से टीएमसी कैंडिडेट मोहम्मद खालिक काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। उनके चुनावी प्रचार में जन समर्थकों का जो उत्साह देखा जा रहा है, इससे पता चलता है कि वो वार्ड की जनता का भरोसा पूरी तरीके से जीत चुके हैं। मोहम्मद खालिक का कहना है कि सीपीएम इस वार्ड में चुनाव में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सीपीएम को वोट देकर वो अपने वोट को नष्ट ना करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि वार्ड नंबर 5 को साफ सुथरा बनाना उनका पहला लक्ष्य होगा। बहरहाल आपको बता दें कि 27 फरवरी को राज्य की 108 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होनी है और यहां के मतदाता किसे अपना नेता चुनते हैं ये देखा जाना बाकी है। हम लोग जिस पार्टी में है उस पार्टी जितना काम किया है, पब्लिक इतना खुश है ममता बनर्जी के काम से कि जाने के बाद बोलती है कि आप लोग आने का दरकार नहीं है, दोबारे सरकार आ गया है तब हम लोग को कोई चीज़ का कमी नहीं है, बस एक दिन हम लोग आपके लिए ज़रूर देंगे, आप इंशाल्लाह बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 5 नंबर वार्ड में जब आप देखते हैं तो क्या क्या काम जो हुआ नहीं है जो आपके जहन में है कि उसको करना है? 5 नंबर वार्ड में निकासी का काम करना है, रास्ता का काम करना है और एडुकेशन का काम करना है। इंशाल्लाह जो भी काम बाकी है, काम तो चालू हो गया है लेकिन इंशाल्लाह और जोर शोर में यहाँ काम होगा। क्या क्या काम आपको लग रहा है यहाँ पर होना चाहिए था जो अभी तक हो नहीं पाया? देखिए, सबसे पहले हमारा कब्रिस्तान का काम जो बाकी है उसको कंप्लीट करना है। एडुकेशन जो स्कूल कुछ यहाँ पर है, जिसे एकरा स्कूल है, एक छत हुआ, दूसरा छत बाकी है, उसको कंप्लीट करना है। रास्ता का काम है, निकासी का काम है, ये सब काम। देखिए, काम ऐसा चीज़ है कि जैसे ये ख़त्म नहीं होता, एक काम नया से नया निकल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि जैसे अभी हम लोग सास्तो साथी, जुबो साथी, बच्चों के स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कन्याश्री सभी दे रहे हैं, तो इसके साथ और भी काम इंशाल्लाह दीदी जितना काम बोली हैं वो सब हम लोग पब्लिक में इशू कर देंगे। 2 तारीख हम सर्टिफिकेट लेने के बाद और फुल प्लस में काम करेंगे। तो पहला काम क्या रहे? पहला काम हमारा सबसे पहले होगा कि इलाका का सफाई, सबसे पहला काम। निकासी, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए जो भी परेशानी है, बुक, किताब, बैग वगैरह, ये भी मैंने हमको मुहैया कराना। जिसे उनके कोई स्कूल में देखे हैं ताली है, उसको छत कराना। कब्रिस्तान में बाउंड्री का कुछ काम है उसको कराना। जो भी काम है सारा काम हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जिसे एकरा स्कूल में भी हम गए थे, वहाँ भी देखे हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक ताली का शेड अभी बना हुआ है, जैसे अभी पूरे बंगाल में वैसा कहीं नहीं है। सब लोग छत में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस छत हम ढलवा देंगे। बेरोजगारी क्या लगता है आपके वार्ड के में भी कुछ मसला है? बिल्कुल है, बेरोजगारी तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार कर रखा है। तो मोदी गवर्नमेंट जहाँ है तो वहाँ तो बेरोजगारी है, लेकिन दीदी का सरकार में बेरोजगारी नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं 2 तारीख के बाद से जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी नौकरियाँ हम देंगे। जी बिल्कुल, अभी एक सागर दत्तों में कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे वार्ड के जितने बच्चे हैं सब उसमें काम करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ का सब परेशानियाँ दूर हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा रोग किसी का ना हो। अगर अल्लाह का मर्जी से कुछ भी होता है, अगर ऐसा किसी को होता है तो हमारे इलाका में जो हॉस्पिटल बन रहा है, लोग बाहर जाते हैं, बेलूर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो वो काम हम लोग का यहाँ कमरेक्टी 5 नंबर वार्ड में सागर दत्त हॉस्पिटल में इलाज होगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। क्या लगता है आप लोग के जीत में, अगर आप लोग जीतते हैं तो ममता बनर्जी का जो स्कीम है ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा?
बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमारा तो अभी जो चार जगह इलेक्शन हुआ, चारों का चारों हम लोग का आ गया, तो इंशाल्लाह अभी जहाँ भी इलेक्शन होगा पब्लिक इतना खुश है ममता बनर्जी से कि सोचना ही नहीं है। जीत तो हमारा हर जगह पक्का है, यहाँ भी हम लोग का 35 में 35 आ रहा है। सीपीएम का जो कैंडिडेट है आपके वार्ड से, उन्होंने हमारे ही चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो टीएमसी के कैंडिडेट नंबर 4 पे रहेंगे। बहुत अच्छा सोच है उनका। जब उनका एमएलए था तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका एमएलए बन के यहाँ पर जीरो था तो आप एक काउंसिलर बन के क्या कीजिएगा। उनका घर का जो वोट है, उनका भाई टीएमसी करता है, आज टीएमसी की वजह से उन लोग का अन्न मिलता है। आज म्यूनसिपल्टी में उनका गाड़ी जो टीएमसी में चला रहा है वो हम ही दिलाए थे, हम ही उनका टेंडर दिए थे, जो आज टीएमसी में उनका टेंडर चलता है। तो उनका घर का जो जितना वोट है वो टीएमसी में मिलेगा, तो उनका घर का वोट नहीं मिलेगा तो पब्लिक का कैसे उम्मीद करते हैं। अब पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपना वोट को जाया करेंगे। लोग समझदार हो गए, पढ़ा लिखा लोग यहाँ रहते हैं कि हम वोट सरकार को देंगे, सरकार का साथ रहेंगे कि हम कुछ काम करा सकें। एक मरा मुर्दा को उठा के क्या कीजिएगा, एक लाश से आप क्या ले सकते हैं। एक लाश से कुछ उम्मीद है, वो लाश है। सीपीएम अभी लाश बना हुआ है पूरे बंगाल में, तो लाश से कुछ उम्मीद नहीं रखना है। हम लोग जिंदा दिल आदमी है, जिंदा दिल है और जिंदा दिल रहेंगे। 5 नंबर वार्ड के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? 8 लोगों को यही अपील करेंगे कि आप हमको भारी बहुमत से एक दिन टाइम दे के जिताइए। इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रहेगा मैं 5 नंबर वार्ड से ही अपना कफन लेके जाऊंगा। कमरट्टी जो इलाका है बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, आपके जहन में क्या रोड मैप है? क्योंकि आपका विधायक भी आपकी पार्टी का है, सांसद भी आपकी पार्टी का है, बंगाल में भी आपका आपकी पार्टी की सरकार है, तो फिर ये पिछड़ा हुआ जो इलाका है इसको पिछड़ापन दूर करने के लिए क्या आपके जहन में क्या नक्शा है? इसको पिछड़ापन दूर करने के लिए हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सौगत राय साहब हैं, हमारा यहाँ का विधायक जनाब मदन मित्रा साहब हैं, हमारे बंगाल का शेरनी वजीराला ममता बनर्जी है। आज उन सबका फोकस कमरट्टी पे है। इंशाल्लाह 2 तारीख का बाद जो भी समस्या है कमरट्टी में, सलम में, माइनॉरिटी में, इंशाल्लाह वो सब समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा कल, अच्छा आपकी रैलियों में जो जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, इसकी राज क्या है? ये विजय मिचिल है, हम लोग जीत गए हैं। लोग का हम घर घर डोर टू डोर जाके देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने वोट किसी को नहीं मिलेगा, जो काम किया उसके साथ हम हैं। कोई सीपीएम कोई आजाद उम्मीदवार का साथ हम लोग क्यों रहेंगे? बेवकूफ़ थोड़ी है कि अपना वोट एक खराब करना जाए। तो हम लोग दीदी का साथ है, दीदी का साथ ही रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद बोल के वो लोग झंडा अपने हाथ में लिए। तो आपके अगेंस्ट में जो लोग इलेक्शन में है, आजाद उम्मीदवार, सीपीएम, जनता पार्टी से, उनसे आपका मुकाबला कितना टफ लगा? कुछ नहीं भाई, जीरो है, मुकाबला है ही कहाँ। जब उनका पार्टी ही नहीं है, आज बंगाल में एक सीट नहीं ले सका तो एक काउंसिलर बन के वो क्या करेगा? कोई सीट है, कोई वजूद है, है? हवा में बोलने से तो नहीं होगा ना, हवा में चलने पड़ेगा। हवा में हम बोल दिए फलाना ये काम कर देंगे, मोदी का तरह झूठ बोलना सीख गया सीपीएम वाला, दूसरा झूठा हो गया है। लोग 35 में 35 यानी कि अपोजिशन को सुन कर दीजिए। अरे भाई अपोजिशन का हम कैसे सुन करेंगे, अपोजिशन खुद सुन हो गया है, पहले ही हवा निकल गया है। उनका विधायक जो था इस वार्ड का, सब बच्चा आप लोग को पता होगा कि आप लोग एमएलए के पास जाते थे तो कोई काम करता था, बोलता रहा हमें एमएलए है की करबो, अमर तो कोनो दाम ही नहीं, हमें किसी कोते पारी ना। जबकि हमारा मदन मित्रा एमएलए नहीं थे और वो एमएलए था, लेकिन फिर भी काम हमारा मदन मित्रा करते थे। पहले मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद खालिक साहब मोहताज तारुफ नहीं है। ये सिर्फ कमरट्टी की तर्जमानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के दौर में ये पूरे हिंदुस्तान में कमरट्टी की तर्जमानी कर रहे हैं। और ये सबसे खुशी की बात है 5 नंबर वार्ड के लोगों के लिए, बिलखसूस दासू बगान के लोगों के लिए, कि ये दासू बगान के लोग काफ़ी खुश नसीब हैं कि मोहम्मद खालिक जैसा आदमी इनको एज ए कैंडिडेट टीएमसी के रूप में मिला है। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाया आइंदा 27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, क्योंकि ये एक छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। मैं तमाम लोग बहुत खुश हैं, देख सकते हैं तमाम नौजवानों में क्या उमंग है, आपके पीछे ही तमाम लड़के आज जो सैकड़ों के तादाद में खड़े हैं पीछे में। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद खालिक के मुतल्लिक हम लोग का एक पहला यही रिएक्शन था कि एक मर्द मुजाहिद
काउंसलर मिला है, एक बोलता हुआ नेता मिले हैं जो हर मसला पे बेबाक बोल सकते हैं, और अभी काउंसलर नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने कई दिनों से जो काम हमारे इलाके में रुकी हुई थी, ड्रेन का काम, गंदगी का काम, निकासी का काम, इन्होंने काउंसलर ना होते हुए उस काम को चालू कर दिया है। और मोहम्मद खालिक के बारे में एक ही बात कहना है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम लोगों ने कोई बहुत अच्छा काम किया था कि जिसके आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद खालिक को हमारे वार्ड में भेजे हैं, और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माइनॉरिटी के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आप लोग जब लोगों के पास जा रहे हैं मोहम्मद खालिक के लिए वोट मांग रहे हैं, हाँ, क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि भैया काहे के लिए वोट मांगने आए हैं, आप जाइए। पहले सोचते थे कि देंगे कि नहीं देंगे, मगर अब जब मोहम्मद खालिक का नाम आया है तो इन्होंने लॉकडाउन के मौका पे इतना अच्छा काम किया है, वोट इन्हीं को देना है और अपना वोट दे करके बेकार नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वार्ड में मोहम्मद खालिक आए हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ममता बनर्जी के सिपाही हैं, हम मोहम्मद खालिक को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के सिपाही हैं, और ममता बनर्जी ने जिस सिपाही को मैदान में उतारा है, हम उनके साथ दिलो जान से हैं।